हो बिहार के लाला, हाय चिया तू हजार साला। ए बाबू लोग कैसन बा, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्वर्सेशन कॉरिडोर में। और आज हम बताया वाला है बिहार चुनाव पे, तो भाई गजब गर्दा उड़ाए हुए हैं सारी पार्टी, कैंपेन पे कैंपेन भौकाल मचा दिए हैं बिहार में। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सी पार्टी हैं, इन इन पार्टी का एजेंडा क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, किस लिए चुनाव लड़ रही हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये दोनों ही नेता क्यों निकल के आ रहे हैं, जिनके बीच में कड़ाके की टक्कर होगी बिहार में, और बिहार की जनता क्या चाहती है, बुझे। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो हम आपको बताते हैं इसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले है 15 साल से राज करते हुए मिस्टर करंट सीएम नीतीश कुमार, ये 15 साल से राज कर रहे हैं बिहार पे, मतलब इनको सही मायने में आप किंग ऑफ बिहार कह सकते हो, इनका तो मुन्ना भैया भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो नीतीश कुमार वो है जिन्हें कई पार्टियां बदली लेकिन सत्ता में बराबर बने रहे, कुछ टाइम तक आरजेडी के साथ थे, फिर इन्हें आरजेडी के साथ छोड़ा 2010 में, फिर 2015 का चुनाव इन्हें बीजेपी के साथ लड़ा, तो ये इनको पता है कैसे सत्ता में रहना है और इसीलिए 15 साल से डटे हुए हैं। और जो रेस में दूसरे गद्दावर नेता है वो है तेजस्वी यादव। हाँ आपने सही पहचाना, ये हमारे बहुत ही प्रसिद्ध नेता लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं। ये अपना अगर बेसिकली देखा जाए तो ये अपनी पार्टी का जो नाम खराब है उसकी छवि सुधारने आए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि 15 साल पहले बिहार में जंगल राज था, बहुत बुरा हाल था, मतलब सबसे खराब स्टेट आप कह सकते थे भारत का था। तो उसको उसी नीति के आगे बढ़ने के लिए नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा था कि अब मैं आपको इस जंगल राज से हटा के विकास की ओर ले चलूंगा, और इसी उम्मीद में बिहार की जनता ने उनको वोट किया था और इसीलिए वो 15 साल से सत्ता में है। तो अब तेजस्वी यादव एक गजब ही नीति खेले हैं, अब ये जात पात पे नहीं लड़ रहे हैं राजनीति, अब ये विकास की बात कर रहे हैं, जैसे मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा सबसे अच्छा, 10 लाख सरकारी नौकरियां दूंगा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, अगर 10 लाख सरकारी नौकरियां बिहार में थी तो ये सब बाहर क्यों जाते। तो तेजस्वी यादव आरजेडी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, और एक और पार्टी जो है वो है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, और भी कई सारे लेफ्ट पार्टियां हैं इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं। तो जैसे कि आपको पता है बहुत सारे अलायंसेस बन चुके हैं इसमें, तो एक अलायंस है जिसमें बीजेपी, एनडीए और एलजेपी थे पहले, लेकिन जैसे ही इस अलायंस ने डिक्लेयर किया कि हमारा सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार होगा, तो ये चिराग पासवान को बात जमी नहीं और उन्होंने फैसला लिया कि मैं अभी अलायंस तोड़ रहा हूँ। तो एलजेपी ने इस अलायंस से अपना हाथ पीछे ले लिया था और अब ये सेपरेट पार्टी के नाम पे लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता इससे कितना फायदा होगा चिराग पासवान को, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा। दूसरा है महागठबंधन, जो बहुत ही बड़ा गठबंधन है, इसमें है हमारे आरजेडी जो कि तेजस्वी यादव है, कांग्रेस है और कई सारी लेफ्ट पार्टीज है। इसके अलावा जो पार्टीज है वो है एक पीडीपी, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें आते हैं हमारे पप्पू यादव भैया, और दूसरी है जन अधिकार पार्टी, एक और है चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। तो ये सारी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अगर देखा जाए तो असली मेन टक्कर है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। तो ये बिहार चुनाव है बेसिकली एक लड़ाई एक्सपीरियंस और यूथ के बीच में। नीतीश कुमार के पास बहुत तजुर्बा है, 15 साल से राज कर रहे हैं बिहार में, और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव जो अपनी पार्टी की छवि सुधारना चाहते हैं और एक युवा नेता है। तो ये बेसिकली तजुर्बे और युवा पीढ़ी के बीच की लड़ाई है बिहार। अब बात करते हैं बिहार की करंट सिचुएशन पे, जो वहाँ के मुद्दे हैं। तो अगर मैं आपको फैक्ट्स बताऊं तो जो बिहार का बेरोजगारी का वो जो नेशनल एवरेज है उससे भी नीचे है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी मात्रा में है। दूसरा अगर बात करें तो बहुत ही खराब एजुकेशन लेवल है वहाँ पे, अगर देखा जाए तो पटना के अलावा बाकी जो भी छोटे मोटे जिले हैं वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत ही कम है, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कोविड सेंटर्स की क्या बुरी हालत थी बिहार में, बहुत ही बुरी तरह मार पड़ी थी, अच्छे हाइजीनिक कंडीशंस नहीं थे कोविड पेशेंट्स के लिए रहने के लिए, नर्सेस नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे जो उनका ख्याल रख सके। दूसरी जो एक्सपोज हुई करंट सरकार वो तब हुई जब बाढ़ आई, हर साल बाढ़ आती है, हर साल मुसीबतें पड़ती हैं बिहार के लिए, तो जनता को कोई भी इसमें राहत के सांस नहीं मिली। और ये सारे बहुत ही अहम मुद्दे हैं देखा जाए। एक और अहम मुद्दा है वो है शराब। आपको पता होगा वैसे तो बिहार एक ड्राई स्टेट है, लेकिन वहाँ पे शराब का इतनी ज्यादा मात्रा में बिक्री होती है कि वहाँ पे घर घर तक डिलीवर होती है,
आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कुछ बहुत ही ज्यादा करंट इश्यूज हैं बिहार के और इन्हीं पे चुनाव लड़ा जा रहा है सारी पार्टीज के द्वारा। तो जो मैंने आपको अभी मुद्दे बताए जो करंटली बिहार में है, इन्हीं मुद्दों का फायदा उठा के या लॉकडाउन में काफी ज्यादा एक्टिव हुए थे तेजस्वी यादव। तो ये सड़कों पे निकले, इन्हें कोविड सेंटर्स के हालत को एक्सपोज किया, फ्लड में जो प्रॉब्लम्स हुई थी, कितने लोग बेघर हो गए थे, उनको मदद का हाथ बढ़ाया, उनको सांत्वना दी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको इतनी मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ेगी, जो कि यूजुअली जनरल पॉलिटिक्स में होता है कि किसी एक का नुकसान अगले का फायदा होता है। अब मैं आपको तेजस्वी यादव के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, तो तेजस्वी यादव वैसे बाय प्रोफेशन से क्रिकेटर है। ये 2008 की आईपीएल की दिल्ली डेयरडेविल्स टीम में सेलेक्ट भी हुए थे लेकिन बेंच पे थे। फिर ये 2008 से 2012 तक दिल्ली डेयरडेविल्स की रिजर्व बेंच पे बैठे हैं, खेलने का इन्हें मौका नहीं मिला लेकिन ये उस स्तर तक भी पहुंचे थे। उसके बाद 2010 के बाद इन्हें फैसला लिया कि अब क्रिकेट छोड़ के अब हम प्लेइंग फील्ड पे उतरते हैं राजनीति की, और फिर इन्हें राजनीति में अपने आप को तराशा और आज ऐसा है कि ये एक बहुत अच्छे सीएम उम्मीदवार बन के निकल रहे हैं। यही टक्कर में है देखा जाए नीतीश कुमार के अगेंस्ट, अब तो ये बिहार की जनता ही बताएगी कि फैसला किसका होगा, कौन बनेगा सीएम बिहार का। अब बात करते हैं इन पार्टीज के मैनिफेस्टो पे जो कि बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है उसके बारे में। तो ये दावा करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, छोटे मोटे बिजनेसेस को लोन्स मिलेगा बड़ी आसानी से, सोलर लाइट्स का इम्प्लीमेंटेशन होगा बिहार में, सड़कें अच्छी बनेंगी, औरतों को नौकरी या रोजगार मिलेगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, गरीबों के लिए अच्छे अच्छे घर बनाए जाएंगे, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत मदद मिलेगी ताकि वो अपना काम शुरू कर सकें, पॉलिटेक्निक्स में काफी ध्यान दिया जाएगा। तो ये बात हो गई जनता दल यूनाइटेड। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की जो कि हमारे तेजस्वी यादव की पार्टी है, इनका क्या कहना है। तो ये सबसे पहले जो मैंने आपको बताया 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का दावा कर रहे हैं, देखते हैं इस दावे पे कितना खरा उतरते हैं। इंडस्ट्रीज को टैक्स वेवर्स देंगे, अब ये भी मुझे नहीं पता ग्राउंड लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। फार्मर्स को फेयर एमएसपी मिलेगा जो कि बहुत अच्छा मूव है, और ये जो रिसेंटली एग्रीकल्चर बिल आया था इसके बाद ये मामला काफी गरमाया था तो इसको मुद्दा बनाया है तेजस्वी यादव ने, स्मार्ट मूव कह सकते हैं। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाएगी जिसको जो कह रहे थे कि बहुत सालों से चेंज नहीं की गई थी, तो तेजस्वी यादव का कहना है कि अब वो एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएंगे। स्मार्ट विलेजेस का इम्प्लीमेंटेशन होगा जो कि बहुत बड़ा मूव है, देखते हैं कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जैसे स्मार्ट सिटीज होती है वैसे ये स्मार्ट विलेजेस बनाएंगे बिहार में। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है। सबसे पहले फ्री कोविड वैक्सीनेशन, आप लोग सुन रहे होंगे न्यूज में बहुत वायरल है कि बिहार की जनता को फ्री में कोविड वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन बनी नहीं आता, पता है नहीं किसी को कब आएगी वैक्सीन, लेकिन फ्री में मिल जाएगी। नौकरियों का दावा इन्हें भी किया है, 19 लाख नौकरियों का दावा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, देखते हैं दावे पे कितना खरा उतरते हैं। फार्म प्रोड्यूस सप्लाई चेन होगा, अच्छा लिंक क्रिएट करेंगे फार्मर्स के प्रोड्यूस करने के बाद और जो फाइनल रिटेलर है उनके बीच में ताकि वो स्मूथ प्रोसेस हो। हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी हिंदी में ताकि सब पढ़े लिखे हों, एजुकेशन पे काफी ध्यान दिया जाएगा, बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है। अच्छे पक्के होम्स बनाए जाएंगे, पक्के घर बनाए जाएंगे, छोटे झोपड़ियों को हटाया जाएगा, पक्के घर दिए जाएंगे गरीबों को। फिशरीज का हब बनाया जाएगा बिहार को, एक आईटी हब बनाया जाएगा। अब मुझे नहीं पता ये किस हद तक ये लोग बना सकते हैं, बट अगर आईटी हब बनाने में कामयाब हो गए तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सक्सेस बिहार के लिए यही होगा। और काफी सारे एम्स खोले जाएंगे, दूसरा एम्स का निर्माण होगा बिहार में, तो काफी डेवलपमेंट की बात की गई। अब अगर मैं आपको बताऊं तो मैनिफेस्टो काफी अच्छा है क्योंकि इस बार जात पात की राजनीति नहीं हो रही, इस बार डेवलपमेंट की राजनीति हो रही है, एजुकेशन की राजनीति हो रही है, नौकरियों की राजनीति हो रही है, जिसकी बिहार की जनता को सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। तो इस मामले में ये पॉलिटिक्स या जो भी चल रही है बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कि बिहार की जनता को चाहिए क्या, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो अच्छा एजुकेशन चाहते हैं ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छे बड़े स्कूल्स में भेज सके। दूसरा है बेरोजगारी हटाना, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है बिहार में, तो आप उनके लिए नौकरियां क्रिएट कीजिए, इंडस्ट्रियल प्लांट लगाइए, फैक्ट्रीज का इम्प्लीमेंटेशन कीजिए ताकि ये लोग अपना रोजगार बराबर ले सके। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ के लोग चाहते हैं वो ये है कि माइग्रेंट वर्कर का टैग हटाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें सिर्फ इसी नजर से देखें कि ये है तो बिहार के लेकिन ये काम करने किसी और राज्य में आते हैं। तो इनको ये चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर वहाँ की अपनी सरकार इनके लिए काफी सारे सुविधाएं ला देगी। दूसरा जो वहाँ की औरतें बेसिकली चाहती है वो ये है कि शराब पे रोक लगाई जाए। वैसे भी वो ड्राई स्टेट है लेकिन वहाँ पे बड़ी आसानी से शराब मिलती है, घर घर में डिलीवर होती है, तो ये औरतों का सबसे बड़ा पॉइंट है कि शराब हटाई जाए क्योंकि इसके वजह से डोमेस्टिक वायलेंस भी काफी बढ़ रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर शराब हटाई गई तो हमारे दत्ता त्यागी का बिजनेस का क्या होगा बाबा, वो तो देखा जाएगा आगे। तो ये बड़े कुछ मुद्दे हैं जो बिहार में हैं, जो बिहार की जनता चाहती है, देखते हैं नतीजे 10 नवंबर को आ जाएंगे आपके सामने किसकी सरकार बनती है। लेकिन जिसकी भी सरकार बने मैं चाहता हूँ प्लीज
लोगों का ख्याल करें, सिर्फ जीतने के लिए ये चीजें ना बोलें, इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। दुआ करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आगे।